गुड मॉर्निंग. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास रिगार्डिंग एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज. ओके, सी इन योर सिलेबस देर आर सो मेनी एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज गिवन. क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म है, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, डिफ्यूशनिज्म, फंक्शनलिज्म और लास्ट में टिल पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी. ओके, सो वन बाय वन वी विल कवर ऑल दिस थियरीज. राइट नाउ वी विल कवर थ्री थियरीज, दैट इज क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म और डिफ्यूशनिज्म. ये तीन थियरीज कवर करेंगे हम लोग. ओके, एंड इफ यू सी द क्वेश्चन पेपर, सो मेनी टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज. ओके, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिगार्डिंग एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज, सी दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू मग अप, है ना. ऐसा नहीं है कि एक कोई A4 पेज पर थियरी का डेटा दिया हुआ है और फिर उसको आप याद कर रहे हो, ऐसे नहीं है. You have to understand why this theory, every theory, it's like why functionalism came into existence, what is the outcome of functionalism. Historical particularism क्या है, क्यों आया, इसका outcome क्या है, criticism क्या है. Okay, every theory has some concepts, some limitations, some criticism. So उस sense में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये याद करने की चीज़ नहीं है. You have to understand the sequence, right? So first, our first theory is classical evolutionism. ओके, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म. फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियरी. थियरी का मतलब क्या होता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियरी. थियरी इज नथिंग बट एन आइडिया. ओके, एक आइडिया जो किसी बड़े फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, राइट. सो इफ आई से थियरी ऑफ एवोल्यूशनिज्म, इट मीन्स व्हाट, कि आफ्टर रीडिंग द थियरी ऑफ एवोल्यूशनिज्म broadly I will come to know, I will understand the idea of evolution, ki evolution hua kaise, hai na. So if you are reading the theory of anything, it means that we are trying to understand the idea behind a greater phenomena, right. So if I say I am reading the classical evolutionism, if I say I am reading the theory of classical evolutionism, it means what, ki I am going to understand how evolution occurred, I am going to understand the idea of evolution, right. So regarding classical evolutionism, two things you have to remember here. First is evolutionism or second important is classical. Okay, one thing is ki evolution, we are talking about evolution of society and culture, right. We are not talking about biological evolution, that is a different thing. Okay, so biological evolution, evolution of species, that is a different thing given by Charles Darwin, wo alag hai. ओके, और ये अलग है. यहाँ पर हम लोग सोसाइटी और कल्चर के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, वी आर स्टडिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर. एक तो ये हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. वी आर नॉट स्टडिंग द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, वी आर स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्लासिकल. व्हाट डज दिस वर्ड इंडिकेट? द वर्ड क्लासिकल, इट इंडिकेट्स द टाइम पीरियड, कि ये थियरीज ओरिजिनेट कब हुई. टाइम पीरियड, इट इंडिकेट्स कि ये थियरी ओरिजिनेट कब हुई. ओके, सो दिस थियरीज केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट. एंड व्हाट इज अ पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ रीजन. ओके, देर वॉज ग्रोथ ऑफ साइंस, पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस. इससे पहले क्या होता था, किसी भी फिनोमिना को लोग गॉड की तरफ एक्सक्राइब करते थे. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, कि बारिश क्यों हो रही है, वाई इट इज रेनिंग, सो पीपल वुड से इट इज बिकॉज ऑफ गॉड. So why there is a flood? So people would say it is because of God. Why there are day and nights? People would say it is because of God. So everything people used to ascribe to God. But धीरे धीरे उसके बाद में फिर साइंस की ग्रोथ हुई, लोगों ने रीजन करना स्टार्ट किए, है ना, लोगों ने सर्च करना स्टार्ट किए. साइंस तो थोड़ा पहले भी था, बट साइंस की ग्रोथ यहाँ से 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, यहाँ से फिर साइंस की रैपिड ग्रोथ हो गई. पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑल द फिनोमिना. Okay, so this word classical represents the time period, and this word evolutionism, it talks about evolution of society and culture, right. So in your syllabus, if you see, three anthropologists are mentioned in your syllabus. First one is E.B. Tyler. Ek E.B. Tyler hai, dusra Lewis Henry Morgan hai, Lewis Henry Morgan, and third important is James Frazer. So these three anthropologists are mentioned in your syllabus regarding classical evolutionism. और जो anthropologist के नाम mention है उनके बारे में ही पढ़ना है. Don't read about everyone. Otherwise आप साल भर anthropological theories ही पढ़ते रह जाओगे.
इसलिए वहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम दिए कि बिकॉज क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के बारे में सो मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट टॉक्ड अबाउट क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, बट वी हैव टू रीड अबाउट दिस थ्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिंपली इट इज बिकॉज इट इज मेंशन इन योर सिलेबस. इसके अलावा दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ओपिनियन पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो व्हाई दिस थ्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन कैटेगरी, सी देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर इज सेम. सो देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर इज सेम. सो इसीलिए इन तीन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एक ही कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इनका जो ओपिनियन है कल्चर के बारे में कि कल्चर इवॉल्व कैसे हुआ वो ओपिनियन उनका सेम है. एंड व्हाट वाज देयर ओपिनियन, देयर ओपिनियन इज दैट द कल्चर हैज इवॉल्व्ड इन अ सेम मैनर एवरीवेयर. दिस थ्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट सेड दैट द कल्चर हैज इवॉल्व्ड इन अ सेम मैनर एवरीवेयर, राइट. सो इट्स लाइक अर्लियर पीपल वेयर हंटर एंड फूड गैदरर, राइट. पीपल वेयर हंटर एंड फूड गैदरर. सो दैट वॉज द सेवेजरी पीरियड. सो यहाँ से फिर देर वॉज दिस पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर, फ्रॉम हंटिंग एंड फूड गैदरिंग टू द पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर, राइट. दिस इज बारबेरिक पीरियड. एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू देर वॉज दिस ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. सो दिस थ्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट maintain this opinion that the culture has evolved in this manner. Earlier human beings were hunter and food gatherers. Hunting or food gathering से फिर वो लोग agriculture पे आए और agriculture से वो लोग फिर civilization पे गए. This is the common view of these three anthropologists. But ये जो उन्होंने view दिए हैं इसके पीछे कुछ assumptions भी रहे होंगे. They must have assumed something before giving this opinion. So what did they assume? Their first assumption is that the culture has evolved in a same manner everywhere. Culture has evolved in a unilinear manner everywhere. Unilinear manner everywhere. Okay. So, and the culture has gone through the definite stages. So, this was their first opinion, right? Second important assumption is that Their second important assumption is that culture from simple to complex. Okay. The culture has grown from simple to complex. So, culture की progress हो रही है. जैसे जैसे society evolve हो रही है, वैसे वैसे culture is progressive. पहले simple state थी, from simple state से जैसे जैसे नई चीजें add होते गई, that culture became complex. Okay, so from the simple state of homogeneity to the complex state of heterogeneity, right. Third important assumption is ki cultural similarities exist karti hai. Similarities exist karti hai. Kyu similarities exist karti hai? It is because of the psychic unity of mankind. Psychic, what is the meaning of psychic unity of mankind? The psychic unity of mankind, it means ki human being har jagah ek hi tarah sochte hai. ह्यूमन बींग्स की थिंकिंग एक जैसी, चाहे एशिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, कुछ भी हो. ऑल ह्यूमन बींग्स दे सेम, दे थिंक इन अ सेम मैनर, दे हैव सेम रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट. सो दिस वॉज देयर इंपॉर्टेंट एजम्पशन बिहाइंड गिविंग दिस थियरी. दिस थ्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कल्चर हैज इवॉल्व इन अ यूनिलिनियर मैनर. सो पहले ह्यूमन बींग्स हंटिंग और फूड गैदरिंग पे थे, यहाँ से फिर वो लोग एग्रीकल्चर पे गए, एग्रीकल्चर से वो लोग सिविलाइजेशन पे गए. सो ये थियरीज देने से पहले उन लोगों के कुछ एजम्पशंस रहे होंगे. सो दे अज्यूम्ड, व्हाट डिड दे अज्यूम? दे अज्यूम्ड दैट कल्चर हैज इवॉल्व इन अ यूनिलिनियर मैनर. एक ही जैसे सीक्वेंस में कल्चर इवॉल्व हो रहा है थ्रू डेफिनाइट स्टेजेस. कैन यू सी देर आर सम डेफिनाइट स्टेजेस? ओके. सो कल्चर इट इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव, from simple state of homogeneity to the complex state of heterogeneity, right? Then third important is ki cultural similarities exist karti hai. Aur kyun exist karti hai? It is because of the psychic unity of mankind. And what is the meaning of psychic unity of mankind? It means ki human being ek hi tarika jaisa sochte hai, unke responses environment ko sab ek jaisa hi hai. Isiliye culture bhi ek hi sequence mein evolve hua hai har jagah. So these three anthropologists are mentioned in your syllabus. First is E.B. Taylor. So he was very famous anthropologist, Edward Burnett Taylor. Right. So he maintained the same opinion ki culture jo hai wo ek hi direction mein evolve hua hai. But there is one unique thing about E.B. Taylor, that he also studied the evolution of religion.
सो जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे ही रिलीजन भी इवॉल्व हो रहा है. सो ही ऑल्सो स्टडीड द एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन. जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे रिलीजन भी चेंज हो रहा है. सो ड्यूरिंग द सेवेजरी पीरियड पीपल वेयर यूज टू वर्शिप सोल. सो उस टाइम पर एनिमिज्म था, है ना. फिर एनिमिज्म से लोग पॉलिथिज्म पे आए, राइट. ड्यूरिंग द सेकेंड पीरियड दैट इज बारबेरिक पीरियड में देर वॉज दिस ग्रोथ ऑफ पॉलिथिज्म. और फिर उसके बाद में पॉलिथिज्म से मोनोथिज्म पे आए, पॉलिथिज्म से मोनोथिज्म पे आए. सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो ओपिनियन है ये तो ईबी टेलर ने मेंटेन किया ही, बट इसके अलावा ईबी टेलर व्हाट ही सेड कि ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन. सो अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड कि पीपल अर्लियर दे यूज टू वर्शिप सोल, इसीलिए पहले एनिमिज्म था. एनिमिज्म से लोग पॉलिथिज्म पे आए, ग्रोथ ऑफ मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस, बहुत सारे चीजों की लोग पूजा करने लगे, दैट इज नोन एज पॉलिथिज्म. और सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रॉम पॉलिथिज्म टू मोनोथिज्म, पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग वन गॉड, दैट इज मोनोथिज्म, राइट. सो दिस इज ईबी टेलर. सेकेंड इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन योर सिलेबस इज रिगार्डिंग क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म इज लेविस हेनरी मॉर्गन. लेविस हेनरी मॉर्गन ऑल्सो कॉल्ड एज एल एच मॉर्गन. सो ही वॉज ऑल्सो वेरी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ही वॉज नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी. सो अगेन ही ऑल्सो मेंटेन द सेम व्यू. ही सेड कि कल्चर हैज इवॉल्व इन अ सेम मैनर, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग से बारबेरिक, बारबेरिक से सिविलाइजेशन. बट जैसे यहां पर टेलर ने रिलीजन की बात की, समथिंग यूनिक, ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट समथिंग यूनिक थिंग दैट ही एस्क्राइब्ड द चेंज इन सोसाइटी टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी. ओके, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, बट चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है. टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है. हाउ टेक्नोलॉजी? सो पहले जो स्टेज था दैट इज द स्टेज ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, यहां पर कौन सी टेक्नोलॉजीज थी? यहां पर टेक्नोलॉजीज थी बो एंड एरो की. ह्यूमन बींग्स एनिमल्स हंट करते थे ना, तो उन लोगों ने बो एंड एरो इन्वेंट किए, तो ये टेक्नोलॉजी हो गई ना उस टाइम की, राइट. देन दे ऑल्सो लर्न की फायर का यूज कैसे करना है. फायर का नॉलेज अभी तक ह्यूमन बींग्स को नहीं था. ऑल्दो हमको लग रहा है कि फायर बहुत छोटी चीज़ है, बट कैन यू इमेजिन कि उस टाइम के ह्यूमन बींग्स ने फायर को इन्वेंट किया कि आग लगती कैसे, एंड दिस फायर दे यूज फॉर देयर ओन गुड, राइट. सो दे यूज टू प्रिपेयर देयर फूड ओवर द फायर. एग्रीकल्चर की तो ग्रोथ नहीं हुई थी, सो जो भी एनिमल्स की हंटिंग करते थे वो, तो उस एनिमल्स की कुकिंग भी वो फायर के ऊपर करते थे. दे ऑल्सो यूज द फायर फॉर देयर प्रोटेक्शन. जब रात को वो लोग अपने टेंट में सोने जाते थे, सो वो अपने टेंट के बाहर में आग लगा कर जाते थे, छोटी छोटी. क्यों? बिकॉज एनी एनिमल शुड नॉट एंटर इन टू देयर टेंट. वो अपने प्रोटेक्शन के लिए फायर लगाते थे, राइट. सो दैट दे यूटिलाइज फॉर देयर ओन गुड. सो फ्रॉम हंटिंग एंड फूड गैदरिंग टू, फिर उसके बाद में हम लोग एग्रीकल्चर में आ गए, राइट. एग्रीकल्चर में कौन सी टेक्नोलॉजी है? एग्रीकल्चर में ह्यूमन बींग लर्न द नॉलेज ऑफ सीड्स. अब सारे किसी भी सीड्स को तो हम लोग उसका कल्टीवेशन नहीं करेंगे ना. जो सीड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसी सीड्स और इम्पॉर्टेंट है और हेल्पफुल है उसी सीड्स का कल्टीवेशन करेंगे. सो क्योंकि ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट में इतने साल से रह रहे थे, सो दे वेर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड सीड्स एंड बैड सीड्स, विच सीड्स आर हेल्पफुल फॉर देम एंड विच सीड्स आर हार्मफुल फॉर देम. तो जो सीड्स उनके लिए हेल्पफुल थे उनकी हेल्थ के लिए, सो उस सीड्स को उन लोगों ने फिर कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया. यहाँ पर एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे. एग्रीकल्चर की ग्रोथ होने के वजह से फिर फूड स्टोरेज और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको पॉटरी लगेंगी, इसलिए यहाँ पर फिर पॉटरी की ग्रोथ हो गई. ह्यूमन बींग लर्न द नॉलेज ऑफ पॉटरी की, पॉटरी बनाना कैसे, राइट. फ्रॉम एग्रीकल्चर स्टेज टू थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेज, दैट इज द पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन. यहाँ पर तो सब चीज़ें पुरानी भी टेक्नोलॉजीज है, इसके अलावा फिर उसके बाद में पॉटरीज भी जुड़ गया, और उसके अलावा फिर यहाँ पर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो लर्न द राइटिंग, राइटिंग स्किल्स है. व्हाट इज द पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन मतलब क्या? सिविलाइजेशन सबसे एडवांस स्टेज होती है जहां पर ह्यूमन बींग्स को बहुत नॉलेज आ जाता है. दे हैव लर्न कि हाउसेस कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. दे प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट द रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम. एग्रीकल्चर भी है, और उसके अलावा ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज हो रहा है यहाँ पर. सो सिविलाइजेशन तो लास्ट स्टेज है ना, जैसे हम लोगों ने पढ़े थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में. सो अब यहाँ पर और सिविलाइजेशन में भी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है. सो कैन यू सी हियर, लेविस हेनरी मॉर्गन सेज कि सोशल चेंज तो हो रहा है, बट सोशल चेंज के पीछे टेक्नोलॉजिकल चेंज है. सोशल चेंज के पीछे
टेक्नोलॉजिकल चेंज है. दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट ओपिनियन ऑफ लेविस हेनरी मॉर्गन. एंड देर इज थर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट इज नोन एज जेम्स फ्रेजर. दिस देर इज अ थर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेम्स फ्रेजर. So what is this James Frazer said? James Frazer, he also had an important contribution regarding the classical evolutionism. First, he also maintained this same stance, right? He said that culture has evolved in a same manner. Hunting, food gathering. इसको याद ही कर लो आप. Hunting and food gathering से agriculture से civilization. ये diagram भी आपको बनाना पड़ेगा. If they ask you to explain the classical evolutionism. So, but the different thing regarding James Frazer is, he studied the evolution in a psychological manner. कि human mind कैसे evolve हुआ? Psychological manner. Human mind की जो thinking है, वो कैसे evolve हुई? So he said कि earlier people used to believe in magic. फिर magic से लोग religion के तरफ आए. Okay, so they started ascribing the phenomena to God. They used to worship. So magic पहली stage है. Magic से लोग religion पे आए और religion से उसके बाद में फिर लोग science पर आए. दिस इज दी सीक्वेंस. सो एक तो तीनों भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक कॉमन स्टैंड है ये वाला. और कॉमन स्टैंड के अलावा सबके अपने कुछ यूनिक फीचर्स है. ईबी टेलर ही टॉक्ड अबाउट रिलीजन. लोग पहले एनिमिज्म पे बिलीव करते थे, फिर पॉलीथिज्म पे आए, फिर मोनोथिज्म पे आए. लेविस हेनरी मॉर्गन से टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है. सो हंटिंग और गैदरिंग में जैसे बो एंड एरो है, फायर टेक्नोलॉजी है. एग्रीकल्चर में पॉटरी है, सिविलाइजेशन में राइटिंग है. James Frazer studied the evolution in a psychological manner. So human thinking कैसे evolve हुई? So he said कि earlier human being used to believe in magic. फिर magic से वो लोग religion पे आए. That there is one God, there is one supernatural power, and that supernatural power is doing everything. और फिर उसके बाद में religion से लोग advanced stage में science पर आए. Right? This is the important contribution of these three anthropologists regarding classical evolutionism. Now, what are the criticism of this theory? What are the criticism of this theory? So, these theories are criticized on the ground that this anthropologist were armchair anthropologist. And what is the meaning of armchair anthropologist? Now, let me tell you ki armchair anthropologist, it means what? That this anthropologist, they did not go to the field to collect the data, but rather they dependent on the books and other reports. So, these anthropologists were criticized on the ground that these anthropologists were armchair anthropologists. Yaad rakhna hai words, armchair anthropologist. Kyunki dusre anthropologist ka jo opinion tha classical evolutionist ke bare mein, wo ye tha ki ye jo classical evolutionist hai, E.B. Taylor, L.H. Morgan aur James Frazer, ye log armchair anthropologist hai. It means wo log field pe jaake unhone data collect nahi kiya, unhone dusri kitabe padhi, unhone dusre reports padhe aur wahan se fir they have come to this conclusion. So they have criticized, this anthropologists are criticized on the ground that they were armchair anthropologists. Second important criticism is that this theory of classical evolutionism, it ignores cultural variation. Okay, this classical evolutionist theory, it ignores cultural variation. And third important criticism is that it is a belief in the psychic unity of mankind and it is a belief in the unilineal evolution of culture. So this belief ignores the other aspects of culture, that is migration or diffusion. Okay, see, migration or diffusion ke phenomena to hum log completely ignore kar rahe, right? Migration or diffusion ke wajah se bhi culture ka spread ho sakta hai. Zaruri thodi hai ki culture har jagah par evolve hua ho. हो सकता है कि किसी जगह पर कल्चर कहीं और से माइग्रेट होकर आया हो, राइट? हम लोग पढ़ेंगे आगे डिफ्यूजनिज्म में. सो दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी कि दिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेर आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दे डिड नॉट गो टू द फील्ड टू कलेक्ट द डेटा. दिस थ्योरी इज इग्नोरिंग द कल्चरल वेरिएशन. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस थ्योरी इज ऑल्सो इग्नोरिंग द स्प्रेड ऑफ कल्चर बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन एंड डिफ्यूजन. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सी, कोई भी थ्योरी के बारे में आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, right? So I hope you have understood the classical evolutionism. These three anthropologists are associated with the classical evolutionism. In tino ka kya view tha ki society jo hai wo is direction mein evolve hui, society or culture is direction mein evolve hue. Iske piche unke assumption kya the ki society has evolved, culture has evolved in a unilinear manner or culture is a progressive, simple state se hum log complex mein ja rahe hain aur
क्यों एक जैसा हर जगह पर इवॉल्व हुआ? क्योंकि बिकॉज दे एज्यूम द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, कि ह्यूमन बींग हर जगह पर एक ही जैसा सोचते. ये हो गया. फिर दिस थ्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट और इनका इंडिविजुअल कुछ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? ई बी टेलर टॉक्स अबाउट रिलीजन, एल एच मॉर्गन ही टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, जेम्स फ्रेजर ही टॉक्स अबाउट एवोल्यूशन इन अ साइकोलॉजिकल मैनर, राइट? और इनका क्रिटिसिज्म क्या है क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म का? दिस वेयर आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दे इग्नोर वेरिएशन और माइग्रेशन एंड डिफ्यूजन, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थियरी. लेट्स मूव टू सेकेंड इंपॉर्टेंट थियरी, दैट इज द थियरी ऑफ डिफ्यूजनिज्म, राइट? सो लेट्स मूव टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिकल थियरी, दैट इज डिफ्यूजनिज्म. ओके, डिफ्यूजनिज्म. सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिकल थियरी. सो फर्स्ट थियरी वी हैव कंप्लीटेड, दैट इज क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म. सो उसमें हम लोगों ने लास्ट पॉइंट क्या देखे थे कि क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म इग्नोर द रोल ऑफ माइग्रेशन एंड डिफ्यूजनिज्म. इसीलिए इसके बाद में फिर डिफ्यूजनिज्म थियरी आई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इट इज नथिंग बट अ स्प्रेड ऑफ समथिंग. सो इन दिस केस what we are talking about, we are talking about culture. So diffusionism, it talks about spread of culture. Aur kaise spread hua culture? It talks about the spread of culture through migration. Okay, so pehli jo theory thi, that is classical evolutionism, usme migration ka role ignore kiya gaya tha. But this diffusionist jo anthropologist the, jinhone diffusionism ko support kiya, they came up with the idea that cultures can also be spread because of the migration. Cultures are diffused to some other location because of the migration. Okay, so let me give you a current example. Jaise imagine karo ki Islam kahan pe originate hua? Islam Saudi Arab mein originate hua, but it entered into the other parts of the world. Africa mein Islam ki entry hui, Europe mein hai, इधर इंडिया में है, इधर राइट साइड में चाइना में है, अमेरिका में है. हाउ इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? कल्चर ओरिजिनेटेड एट वन प्लेस बट इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड थ्रू माइग्रेशन, राइट? बुद्धिज्म इंडिया में ओरिजिनेट हुआ बट यहाँ पर ईस्टर्न साइड में स्प्रेड हुआ बुद्धिज्म. लाओस है, कंबोडिया, म्यांमार, इधर नीचे में श्रीलंका में, ऊपर चाइना, और इधर साइड लेफ्ट साइड में भी बुद्धिज्म के फॉलोअर है. सो कैन यू सी हियर कि कल्चर एक जगह पर ओरिजिनेट हो रहा है बट दूसरी जगह पर भी स्प्रेड हो रहा है, और कैसे स्प्रेड हो रहा है? इट इज थ्रू माइग्रेशन. सो इफ यू सी द सिलेबस ऑफ डिफ्यूजनिज्म, वहां पर थ्री स्कूल ऑफ थॉट्स आर मेंशन. फर्स्ट वन इज दैट इज ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट. सेकेंड वन इज जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, और थर्ड वन इज अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट. ब्रिटिश, सेकेंड इज जर्मन, और थर्ड वन इज अमेरिकन. ओके, सो दिस देर आर थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट मेंशन इन योर सिलेबस. अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो मेंशन है सिलेबस में उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज मत पढ़ो, वरना ये एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज का जो सिलेबस है ये बहुत वास्ट है. रेस्ट्रिक्ट यूर सेल्फ, थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखो पढ़ाई में, वरना क्या होता है कि जब हम पढ़ने पे आते हैं तो बहुत सारा पढ़ लेते हैं. बट यू मस्ट लर्न टू रेस्ट्रिक्ट यूर सेल्फ टू सिलेबस. इसलिए बार बार सिलेबस देखा करो और अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो कि जो मेंशन है सिलेबस में वही पढ़ना है. सो द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इज ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट. So what does this British school of thought says? See, according to British school of thought, there was only one culture center in the entire world, that is Egypt. Aur wahan se fir culture dusri jagah par spread hona start hua, right? So what did this school of thought says? According to British school of thought, culture, it was originated in the Egypt. Okay, aur yahan se fir culture jo hai wo dusri jagah par migrate hona start hua. ओके, सो दिस स्कूल ऑफ थॉट हैज इमेजिन ओनली वन कल्चर सेंटर, दैट इज इजिप्ट, और यहां से फिर वो दूसरी जगह पर माइग्रेट होना स्टार्ट हुआ. थोड़ा एक्सट्रीम ओपिनियन है, बिकॉज दिस स्कूल ऑफ थॉट इट इज कंसिडरिंग दैट देर इज ओनली वन कल्चर सेंटर इन द वर्ल्ड. सो ये ओपिनियन थोड़ा एक्सट्रीम हुआ ना. हो सकता है दूसरी जगह पर भी कल्चर सेंटर्स हो. दैट इज वाई दिस स्कूल ऑफ थॉट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रीम स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म, एक्सट्रीम स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म. सो कल्चर जो है वो इजिप्ट में ओरिजिनेट हुआ, एक ही कल्चर सेंटर है पूरे एंटायर वर्ल्ड में, और यहाँ से फिर वो है दूसरी जगह पर माइग्रेट होना स्टार्ट हुआ, राइट? सो वो वेयर द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट. फर्स्ट वन इज वी हैव दिस, फर्स्ट इज ग्रैफिन स्मिथ. ओके, फर्स्ट इज ग्रैफिन स्मिथ, देन सेकेंड इज वी हैव डब्ल्यू जे पेरी,
And third one is we have W.H.R. Lever. So this three anthropologist belongs to this British school of thought. Okay. और ये anthropologist के नाम याद रखना है. So in case if they ask you diffusionism, so उसमें British, German और American तीनों भी थोड़ा सा describe करना पड़ेगा आपको. और ये सब लिखना जरूरी है. So Graffan Smith, he published his theory that is called as Pan-Egyptian theory. So he wrote a book. In his book, he explained his Pan-Egyptian theory. So he also said कि England में जो stone monuments है ना, megalithic monuments, वो सब Egypt से copy किए गए. Egypt के जो pyramid है ना, उससे copy किए गए. This Graffan Smith, he wrote a book. In his book, he explained his Pan-Egyptian theory. And he also has given an example. He says कि British, Britain में जो megalithic monuments है, वो Egypt के ही copy किए गए. ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, इनमें सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ओपिनियन क्या है कि देर इज ओनली वन कल्चर सेंटर, इजिप्ट. सो यहां से सारे लोगों ने अपने अपने दूसरी चीजों को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, राइट. सो दिस इज द ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज जर्मन स्कूल ऑफ थॉट. जर्मन स्कूल ऑफ थॉट एंड व्हाट डज दिस जर्मन स्कूल ऑफ थॉट सेज. सी, अब ये जर्मन स्कूल ऑफ थॉट जो है, इट इज लेस एक्सट्रीम कंपेयर टू द ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट. सो जैसे ब्रिटिशर्स ने इमेजिन किया कि देर इज ओनली वन कल्चर सेंटर, बट यहां पर जर्मन स्कूल ऑफ थॉट इट सेज कि देर आर मेनी डिफरेंट कल्चर सेंटर्स एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट. देर आर मेनी डिफरेंट कल्चर्स ओरिजिनेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. और यहां से फिर जो है वो कल्चर दूसरी जगह पर माइग्रेट हुआ. सो देर आर सो मेनी कल्चर सेंटर्स इन द वर्ल्ड. So this school of thought, it is also called as culture area school of thought. So this school of thought, it is also called as culture area school of thought. So who are the main proponents of this German school of thought? There are two important names. First one is Ratzel. Or second important thing is William Smith. Okay. सबसे पहला जर्मन स्कूल ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट है, जहां पर एक्सट्रीम स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म है. दे कंसिडर दैट देर इज ओनली वन कल्चर सेंटर. जर्मन स्कूल ऑफ थॉट इट सेज के डिफरेंट कल्चर्स इवॉल्व ओवर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. और यहां से फिर कल्चर जो है वो दूसरी जगहों पर माइग्रेट होना स्टार्ट हुए. दिस स्कूल ऑफ थॉट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कल्चर एरिया स्कूल ऑफ थॉट, कल्चर एरिया अप्रोच. सो दिस अप्रोच इट इज गिवन बाय रेट्जल, राइट. सो रेट्जल ही ऑल्सो कंपेयर्ड द सिमिलैरिटीज इंडोनेशिया और वेस्ट अफ्रीका में जो बो एंड एरो है उसमें सिमिलैरिटीज है. रेट्जल सेज कि ही स्टडीड द सिमिलैरिटीज बिटवीन द इंडोनेशियन बो एंड एरो एंड वेस्ट अफ्रीकन बो एंड एरो. सो ही सेज कि इनके स्ट्रक्चर में भी सिमिलैरिटीज है, इनके मटेरियल में भी सिमिलैरिटीज है, और वो जिस तरह से टाई किए गए उसमें भी सिमिलैरिटी है. इट मीन्स वॉट कि वो जो बो एंड एरो है वो किसी एक जगह पर पहले ओरिजिनेट हुआ है और फिर उसके बाद में वो दूसरी जगह पर कॉपी किया गया है. This is the important thing that you have to understand. इतनी similarities तो तभी हो सकती है जब उसको imitate किया जा रहा है. एक cultural practice अगर किसी country में identify होती है और surrounding countries में भी वो cultural practice अगर identify होती है, it means what? कि वो पहले starting वाली जगह से copy किया गया है, उसको imitate किया जा रहा है, right? So this Ratzel, he compared the similarities in bow and arrow between the Indonesia and West Africa. So later on he come to a conclusion ki the similarities exist because of the migration of culture. Then there is third school of thought, that is American school of thought. American school of thought. Third important school of thought is American school of thought. And who were the proponents of this school of thought? First is Franz Boas. Okay, so he established this school of thought, and this Franz Boas, he was followed by Clark Whistler और Albert Kroeber. Okay, Clark Whistler and Albert Kroeber. और इसमें सबसे ज्यादा Clark Whistler famous है. First was British school of thought, second is German school of thought, और third important thing is American school of thought. Who established this school of thought? Franz Boas. He was followed by Clark Whistler and Albert Kroeber. Okay, Clark Whistler and Albert Kroeber. So what does Clark Whistler says? He classified
डिफरेंट कल्चर एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। अब यहाँ पर ध्यान दो, ही क्लासिफाइड डिफरेंट कल्चर एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ये कल्चर एरिया है। ही क्लासिफाइड डिफरेंट कल्चर एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, इसको कॉन्टिनेंट्स की तरह समझो आप। ओके, अब विद इन दिस कल्चर एरिया देर आर सो मेनी कल्चर सेंटर्स, विद इन दिस कल्चर एरिया देर आर सो मेनी कल्चर सेंटर, और इन कल्चर सेंटर्स के बीच में ट्रेड्स जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं। This is culture area that is classified on the basis of geography. Within this culture area, there are culture centers. और यहाँ पर कल्चर सेंटर्स में ट्रेड्स जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर एक कल्चर सेंटर जो है वो दूसरे कल्चर सेंटर से कोई ट्रेड एक्सेप्ट कर रहा है, एक कल्चर सेंटर किसी दूसरे कल्चर ट्रेड सेंटर्स में अपने ट्रेड को माइग्रेट कर रहा है। और लोग क्यों कल्चर ट्रेड को, किसी कल्चर ट्रेड को अपने कल्चर सेंटर में ले रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन देयर नीड। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कल्चर ट्रेड बाय द वे, कल्चर ट्रेड जो रहता है ना, ट्रेड दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ बिग कल्चर। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यहां पर जो कल्चर सेंटर है ना, इसमें किसी पर्टिकुलर टाइप की अगर फिशिंग प्रैक्टिस है, और वो फिशिंग की अगर इस कल्चर सेंटर को भी नीड है, सो इनकी फिशिंग प्रैक्टिस को ये जो कल्चर सेंटर के लोग हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको अडेप्ट करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए बेनिफिशियल है, राइट? उसको दैट इज नोन एज कल्चर ट्रेड। ओके, कल्चर ट्रेड, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे हिंदुइज्म में किसी नए बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करना, यहाँ कहीं पर नया इनॉग्रेशन है तो वो लोग नारियल फोड़ते हैं, दैट इज़ अ स्मॉल कल्चरल ट्रेड। मुस्लिम्स में जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वो लोग नीचे बैठ कर खाना खाते, ओके, सो यू मस्ट हैव सीन कि वो लोग नीचे बैठ के खाना खाना प्रिफर करते, सर पे टोपी रखना प्रिफर करते, और इट्स लाइक रेड क्लॉथ्स यू विल सी, वो रेड क्लॉथ्स के ऊपर वो अपने सारे पॉटरीज रखते हैं खाना खाने की। और ये एक छोटा सा कल्चर ट्रेड है, जो भी छोटी सी एक प्रैक्टिस है जो किसी कल्चर से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज कल्चर ट्रेड। और इस कल्चर, ये जो कल्चर ट्रेड है उसको दूसरे कल्चर सेंटर के लोग एक्सेप्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको हो सकता है उसकी ज़रूरत हो। वैसे ही यहाँ पर डिफरेंट कल्चर सेंटर्स है, राइट? बट कोई कल्चर ट्रेड जो है वो माइग्रेट होकर दूसरे कल्चर सेंटर्स में जाता है, दूसरे कल्चर सेंटर्स के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज उनको उस कल्चर ट्रेड की जरूरत है, राइट? सो व्हाट ही सेड एट लास्ट, ही सेड कि द ग्रुप्स दैट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, द ग्रुप्स दैट आर प्लेस्ड नियर द क्लोज ज्योग्राफिकल एरिया, वहां पर सिमिलर ट्रेड्स आइडेंटिफाई होते हैं। आर यू गेटिंग इट? व्हाट ही सेड कि जो कल्चर सेंटर सिमिलर ज्योग्राफी में रहते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई होती है, राइट? सो यहां पर जो कल्चर सेंटर्स रहेंगे लेट्स से फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, सो इन दोनों कल्चर सेंटर्स में फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर में कुछ कल्चरल ट्रेड सिमिलर रहेंगे क्योंकि वो उनकी ज्योग्राफी सेम है। यहाँ पर जो कल्चर सेंटर है इसमें कुछ कल्चरल ट्रेड सिमिलर रहेंगे क्योंकि इनकी ज्योग्राफी सेम है। बट ये जो कल्चर सेंटर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ए, और ये जो कल्चर सेंटर है फोर्थ नंबर का, इन दोनों में सिमिलैरिटीज कम रहेंगी क्योंकि इनकी ज्योग्राफी अलग है, राइट? सो ज्योग्राफी के बेसिस पे उन्होंने कल्चर एरिया पहले डिवाइड किए, फिर उसमें ढेर सारे कल्चर सेंटर्स हैं और वो कल्चर सेंटर्स में कुछ ट्रेड्स जो है वो माइग्रेट हो रहे, एक्सचेंज हो रहे, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, लोग अपनी नीड्स को ध्यान में रखते हुए दूसरे कल्चर प्रैक्टिस के छोटे से कल्चरल ट्रेड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडाप्ट कर रहे हैं। दैट इज वॉट द अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट इज। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई फ्रांस बोआस, फॉलोड बाई क्लार्क विजलर और एल्बर्ट क्रोबर। इसमें से क्लार्क विजलर फेमस है, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एरिया, ओके, एंड ही ऑल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एज एरिया, इट मीन्स वॉट ही सेड कि जो कल्चरल ट्रेड सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई हो रहा है, इट मीन्स वो सबसे ओल्ड है, जो कल्चरल ट्रेड सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई हो रहा है वही सबसे ओल्ड है, ओके? सो दिस इज वॉट द
अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट इज। इसका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन का? दे हैव डिवाइडेड द कल्चर एरिया ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, राइट? बट इससे तो वो स्कूल का जो स्कोप है वो लिमिटेड हो जाएगा। बट कैन दे एक्सप्लेन द वर्ल्ड वाइड डिफ्यूजन ऑफ कल्चर? कैन दे एक्सप्लेन द वर्ल्ड वाइड डिफ्यूजन ऑफ कल्चर? नो। सो दिस इज वॉट द क्रिटिसिज्म ऑफ अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, दे कैनॉट एक्सप्लेन द वर्ल्ड वाइड डिफ्यूजन ऑफ कल्चर। दे कांट एक्सप्लेन द वर्ल्ड वाइड डिफ्यूजन ऑफ कल्चर। सो ज्योग्राफी के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किए कल्चर एरिया को, राइट? बट अगेन दे हैव ऑल्सो इग्नोर द अदर आस्पेक्ट्स दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिफ्यूजनिज्म। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड डिफ्यूजनिज्म। लेट्स क्विकली रिवाइज इन 2 मिनट्स। डिफ्यूजनिज्म इट मीन्स वॉट? स्प्रेड ऑफ कल्चर। एक जगह पर ओरिजिनेट हो रहा है, दूसरी जगह पर स्प्रेड हो रहा है। इसमें देर आर 3 स्कूल्स ऑफ थॉट, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट और अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रीम स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म, बिकॉज दे कंसिडर देर इज ओनली 1 कल्चर सेंटर इन द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज इजिप्ट, और यहाँ से फिर कल्चर जो है वो दूसरी जगह पर माइग्रेट हुआ। देन कम द जर्मन स्कूल ऑफ थॉट। ये थोड़ा सा लेस एक्सट्रीम है कंपेयर टू ब्रिटिश, बिकॉज जर्मन स्कूल ऑफ थॉट सेज कि डिफरेंट कल्चर इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द डिफरेंट एरियाज, और वो दूसरी जगह पर फिर माइग्रेट होने लगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। दे डिवाइडेड द कल्चर एरिया ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, और विद इन दिस कल्चर एरिया देर आर स्मॉल कल्चर सेंटर्स, और इन कल्चर सेंटर्स में कुछ कल्चरल ट्रेड्स जो है वो एक कल्चर सेंटर से दूसरे कल्चर सेंटर्स पे माइग्रेट हो रहे। इसीलिए कुछ कल्चर सेंटर्स में सिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई होती है जो क्लोज ज्योग्राफिकल एरियाज में रहते हैं। दैट इज वॉट द अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट इज। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डिफ्यूजनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। लेट्स मूव टू थर्ड इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज, दैट इज हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म।